बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में कदम रखा हुआ है तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में विड्रॉ के लिए ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट की जरूरत होती है। अब ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट किस तरीके से करना है, कोई मुश्किल बात नहीं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ना तो इसके लिए जीमेल की जरूरत है और ना ही आपको इसके लिए किसी मोबाइल नंबर की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा वक्त होना चाहिए। चलते मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करना है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और उसके बाद उनका अकाउंट जो वो लॉगिन नहीं हो रहा होता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में आ जाए, यहाँ पर आपने सर्च बार में लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट लिख कर सर्च करेंगे आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको करें ओपन। अब यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमने अपना न्यू वॉलेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वॉलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। इस पेज का मतलब ये कि ये आप लोगों को कुछ सीक्रेट कोड देंगे, उन सीक्रेट कोड के जरिए ही हम अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे इस डिवाइस के ऊपर या दूसरी किसी डिवाइस के ऊपर। तो इन सीक्रेट कोड को हम लोगों ने बहुत संभाल के रखना है, इनको सेव करना अपने पास। तो अब ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इसको गूगल ड्राइव के अंदर महफूज रखना चाहते हैं या मैन्युअली इसको महफूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैन्युअली का जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके पास ये पेश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप किए बगैर ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहीं पर गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर इस पेज के ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास इन सीक्रेट कोड का कोई बैकअप नहीं होता, जो सीक्रेट कोड आपको मुहैया करने वाले हैं इन सीक्रेट कोड को हम लोगों ने ही संभाल के रखना है। अगर आगे जाकर इन सीक्रेट कोड को हम भूल जाते हैं या कोई गलती कर देते हैं और अगर हम इन लोगों से हेल्प मांगते हैं कि हम लोग भूल गए और हम लोगों को जो सीक्रेट कोड दे दीजिए, तो इन लोगों के पास कोई बैकअप नहीं होगा और ना ये दे पाएंगे और हम अपना अकाउंट फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे और जो हमारे अकाउंट में जितनी भी अर्निंग होगी वो तमाम की तमाम अर्निंग जो हमारी ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ से हमने तीनों के ऊपर क्लिक और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। ये मेरे सीक्रेट कोड नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर ऐड किए, तो आपके पास भी इसी तरीके के 12 सीक्रेट कोड आपको दिखाई देंगे। इन 12 सीक्रेट कोड को हम लोगों को महफूज करना होगा और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि एक कॉपी पेंसिल ले लें और स्टेप बाय स्टेप जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपने 12 के 12 को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, क्योंकि आगे जाकर हम इन्हीं कोड्स के जरिए अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी कोड हम भूल गए या हम लोगों ने जो इनकी नंबरिंग आगे पीछे कर दी कि 1 की जगह 4 लिख दिया, 4 की जगह 5 लिख दिया, तब भी हम अपने अकाउंट के ऊपर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इन सीक्रेट कोड को आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है और या तो इसकी मोबाइल के जरिए आप तस्वीर भी खींच सकते हैं। और दूसरी बात ये बताऊं कि इन सीक्रेट कोड की आप जो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपको या तो लिखना होगा या तो दूसरे मोबाइल के थ्रू आप इसकी तस्वीर वगैरह खींच सकते हैं। तो बहरहाल इनको अपने हिसाब से आपने महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद जो आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया, क्योंकि दूसरा स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिला क्योंकि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 1 नंबर पर आपका कौन सा सीक्रेट कोड था, 2 नंबर पर कौन सा था, 3 पे कौन सा था, 4 पे कौन सा था, और नीचे लिस्ट आएगी, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि 1 नंबर पर ये था, 2 नंबर पर ये था, 3 नंबर पर ये था, 4 नंबर पर ये था। इस तरीके से जो आप लोगों ने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद वेरीफाई, मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 6 डिजिट का पासवर्ड सेलेक्ट करना है और ये पासवर्ड आपकी इसी डिवाइस के लिए होगा जिस डिवाइस के ऊपर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे होंगे। अगर दूसरी डिवाइस में आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर दूसरा पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा और हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सिंपली यहाँ से हम पैसे भेज भी सकते हैं और यहाँ पर पैसे मंगवा भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।